जिला स्वच्छता ग्रही संघ ने सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर उनसे स्वच्छता ग्रहियों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में स्वच्छता ग्रही संघ के अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी स्वच्छता ग्रही गांवों में शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता लाने का काम किए थे, लेकिन योजना पूरी हो जाने के बाद अब सभी लोग बेरोजगार हो गए, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया गया है कि स्वच्छता ग्रहियों को कहीं नौकरी की व्यवस्था करें, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उन्हें मनरेगा के तहत गांव में ही मेट के पद पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला स्वच्छता ग्राही संघ के अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, जितेंद्र विश्वकर्मा, मैं स्वच्छता ग्रही संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग जनपद गोरखपुर के स्वच्छता ग्रही हैं और हम लोगों ने पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत करके हम लोग गाँव को स्वच्छ बनाया था और तब से आके शहर, जिला, प्रदेश, ब्लॉक सब ओडीएफ हुआ था, लेकिन सरकार ने हर ग्राम सभा में एक सुलभ शौचालय बनवाया था। हम लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे सरकार की हम लोगों के रखे है शौचालय केयर टेकर के रूप में, लेकिन शौचालय उस पर सरकार उस पर न रख करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रखा गया था। फिर बाद में हम लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते संज्ञान तक पहुँचे। फिर सरकार ने एक योजना निकाला कि नरेगा काम कराने के लिए मेट की ज़रूरत थी। हम लोगों ने सीडीओ साहब से मिले, सीडीओ साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में आश्वासन दिया कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके देश को ही, प्रदेश को भी, सबको स्वच्छ घोषित किया और आप लोगों के साथ कहीं से जासूसी नहीं होगी, आप लोगों की मेहनत के आधार पर आप लोगों को मनरेगा के मेट पर नियुक्त की जाएगी। उन्होंने तत्काल डीसी मनरेगा को निर्देश दिया है कि इन लोगों के साथ कहीं कोई जासूसी नहीं, सीधे प्रधान के बिना पूछे जांचे आप स्वच्छता ग्रही को ही नियुक्त करेंगे मनरेगा के मेट पर, और एक पत्र उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजने का आश्वासन दिया है। एक गाँव में कितने मेट रखे जाते हैं? एक मेट, एक स्वच्छता, एक गाँव कितने स्वच्छता ग्रही हैं? एक एक, प्रत्येक ग्राम सभा में एक स्वच्छता ग्रही है, 25 मजदूर पे।